In this video, I will talk about how to prepare any molar solution. एक example से समझते हैं, जैसे अगर आपको 1 molar NaOH solution prepare करने के लिए बोला, तो सबसे पहले ये जो molar होता है, molar को हम लोग molarity के नाम से जानते हैं, molar means molarity, और जो molarity का formula होता है वो सिर्फ पता होना चाहिए आपको, और molarity को capital M से denote करते हैं. इसका formula होता है number of moles of solute divided by volume of solution liter, volume of solution in liter. ये formula पता हो तो आप कोई भी molar solution बना सकते हो. तो इसमें number of moles का जो formula होता है, इसमें given mass upon molecular mass होता है, बस आपको इसके यहाँ पे put up कर देना है. तो next formula इसका क्या बनेगा, capital M is equal to number of moles का formula होता है given mass upon molecular mass, और नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर. बस ये फॉर्मूला भी याद हो गया तो आप कोई भी मोलर सॉल्यूशन बना सकते हो. जैसे आपको अगर प्रिपेयर करने के लिए बोला है कि 1 molar NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आप इसका जो 1 molar है, तो 1 molar मतलब कैपिटल एम की जगह पर आ जाएगा आपका 1 equals to गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास की जगह पर आप क्या करोगे, NaOH का मॉलिकुलर मास निकाल दोगे. सोडियम का होता है 23, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो आप इसको प्लस करोगे तो इसका आपका आ जाएगा 40. तो उसका मतलब आपको मॉलिक्यूलर मास की जगह पे आपको लिखना है 40 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. आपको अगर समझो 1 लीटर में प्रिपेयर करना है तो आपको 1 लीटर लेना है. अगर 500 ml में प्रिपेयर करना है तो उस हिसाब से आपको करना है. अगर समझो कि मुझे 500 ml में प्रिपेयर करना है, तो ये ml में हो गया, लेकिन जो फॉर्मूला लीटर में, तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से. एक्चुअली ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे 1000 से डिवाइड मारते हैं ऐसा, लेकिन वो 1000 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ऊपर 1000 लिख दिया. अभी इसको जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें ये क्या हो, गिवन मास निकालना है, तो इसमें गिवन मास इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा 40, मतलब ये इधर क्रॉस में चले जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 500 और डिवाइडेड बाय 1000. सो बस कैलकुलेट कर दो, जैसे इसमें अगर इसमें 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, जैसे ये 0 कैंसिल हो गया, 5 × 4 5 × 4 जा कितना आया 20 ग्राम. तो उसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम आपको NaOH वे करना है और इसको डिसॉल्व करना है 500 ml में वाटर, मतलब जो भी सॉल्वेंट में बोला गया. तो वैसे आप कोई भी ml का प्रिपेयर कर सकते हो. अगर समझो कि इसके अंदर से आपको 100 ml का प्रिपेयर करना है, तो आपको पता है 20 ग्राम NaOH में 500 ml है, तो आपको 100 ml में कितना NaOH चाहिए होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइडेड बाई सॉरी इधर आपका आएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 500. तो इधर से ये 2 0 2 0 कैंसिल, 5 की डबल 20 कब आएगा 4 जा, तो उसका मतलब आपको चाहिए होगा 4 ग्राम और उसको डिसॉल्व करना होगा 100 ml. तो ये आपका प्रिपेयर हो गया NaOH सॉल्यूशन. वैसे आप कोई भी मोलर का NaOH या फिर कोई भी दूसरे सॉल्ट का भी आप प्रिपेयर कर सकते हो. जैसे एक और एग्जांपल लेते, अगर आपको बोला जाए कि 5 molar KCl सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, तो मोलारिटी का फॉर्मूला मैंने बताया, मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर. बस इतना याद रख लेना है. तो आपको 5 molar बोला है, तो मोलारिटी यहाँ पे आ जाएगा आपको 5 equals to गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास. आप कैलकुलेट कर दो, जैसे KCl है तो पोटेशियम का होता है 39 मॉलिकुलर मास, क्लोरीन का होता है 35.5. ये दोनों को प्लस कर देते, 39 + 35.5, तो इधर आपका कुछ आएगा 5. इधर आपका 74.5 आया. तो मॉलिकुलर मास यहाँ पे आपका आ जाएगा 74.5 मल्टीप्लाई बाय, अगर आपको जितने ml में प्रिपेयर करना है उतने ml आपको लिख देना. अगर समझो आपको कि 250 ml में प्रिपेयर करना है या फिर 100 ml ले लेते, तो अगर मुझे 100 ml में प्रिपेयर करना है तो आपको इधर 100 मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो ml में होगा था, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से वो किस में होना चाहिए, लीटर में. तो आपको क्या करना है, ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर बस मल्टीप्लाई कर देना 1000. अगर वो पहले से ही आप लीटर में कर रहे हो, अगर समझो इधर आपने 1 लीटर लिखा, तो आपको ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो बस इसको ये जो 74 पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चले जाएगा. तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा, तो उतना ग्राम आपको डिसॉल्व किस में करना होगा, 100 ml में. तो ऐसा कोई भी मोलर का आप सॉल्यूशन
प्रिपेयर कर सकते हो। और इसका यूनिट क्या होगा, मोलारिटी, मोलारिटी का यूनिट होगा मोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे क्या है लीटर। ओके, थैंक यू।